आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मलाई बोटी, जो अक्सर आप रेस्टोरेंट से लेके खाना पसंद करते हैं। ना तो हमें इसके लिए कोयलों की ज़रूरत है और ना ही सीखों की ज़रूरत है, फिर भी हम मक्खन मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाली चिकन मलाई बोटी आज घर में बनाएंगे। इतने कम बजट में बना के हम तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुमेरा और आप देख रहे हैं सुमेरा उस्मान कुकिंग चैनल। जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। तो चलें फिर वक्त ज़ाया किए बिना बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन मलाई बोटी। आधा किलो मैंने चिकन ले लिया था। चिकन मैंने लिया है बोनलेस, और उसको मैंने ऐसे पतले पतले से लंबाई में कटिंग करा लिया था। आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, एक चम्मच नमक डाल देंगे और दो लेमन के जूस का डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन मिक्स हो चुका तो अब मैं इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख दूंगी कवर करके। चिकन को 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा हुआ था। चिकन का देखें सारा पानी निकल आया है और अब हम एक इसको अलग से बॉल में डाल लेंगे। सिर्फ चिकन के पीसेस को डालेंगे, हमने पानी नहीं डालना। और साथ में डाल देंगे 4 चम्मच दही के। दही बहुत गाढ़ा होना चाहिए, पतला दही नहीं चाहिए। फ्रेश क्रीम के डालेंगे हम 5 चम्मच और साथ में 1 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लावर का और 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई हरी मिर्च का। पाउडर मसालों में डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच मैंने लिया है सब्ज़ इलायची का पाउडर और 1 चम्मच मैंने लिया है सफ़ेद मिर्च का और 1/2 चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च का। ये डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। कॉर्नफ्लावर डालने से ये जो सारा इसकी ग्रेवी है ये चिकन पे ही चिपकी रहेगी, फ्राई करने वक्त ये चिकन से उतरेगी नहीं। चिकन मैरिनेट हो चुका तो चिकन को अब हम कवर करेंगे और 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे। और अब मैंने ले ली है बारबेक्यू स्टिक और स्टिक पे हम लगाते जाएंगे चिकन के पीस को। बहुत ही आसानी के साथ चिकन के पीस लगते जाएंगे। इसी तरीके से हम और चिकन के पीस लगा लेंगे। स्टिक में मैंने चिकन बोटी लगा ली है और अब हम इसको रखेंगे एक साइड पे और ये जो मैरिनेशन बची है इसको हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल हम आगे चल के करेंगे। अब मैंने ले लिया है ग्रिल पैन और ग्रिल पैन में डालूंगी 1 चम्मच मैं वनस्पति घी का और 1 चम्मच हम डालेंगे कुकिंग ऑयल का। अच्छे से ब्रश कर देंगे ग्रिल पैन में और यहाँ पर रखते जाएंगे मलाई बोटी को। मलाई बोटी को हमने 5 मिनट तक एक साइड से पकाना है और अब हम कर देंगे साइड चेंज और इस पर भी हम 5 मिनट तक पकाएंगे ऐसे ही कलर आने तक। अब ये जो मसाला बचा था एक ब्रश की मदद से हम दोबारा से इसके ऊपर कोट करते जाएंगे। फिर से साइड चेंज कर देंगे और फिर इस साइड से 5 मिनट तक पकाएंगे। मलाई बोटी रेडी हो चुकी है, इतने अच्छे तरीके से गल चुकी है और देखें कितने अच्छा इसका कलर आ चुका है। अब हम इसको एक यहाँ से चूल्हे से उतार लेंगे और अब एक एक स्टिक उठाएंगे, उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और चूल्हे पे हम ग्रिल करते जाएंगे। सिर्फ एक एक सेकेंड के लिए हम चारों साइडों से इसको ग्रिल कर लेंगे। इससे टेस्ट पूरा रेस्टोरेंट वाला बन के तैयार होगा। चिकन मलाई बोटी को मैंने ग्रिल कर लिया और अब इसी तरीके से हम सारी स्टिक को ग्रिल कर लेंगे। चिकन मलाई टिक्का बनके तैयार हो चुका है। देखिए पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल का बनके तैयार है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करें और सुमेरा उस्मान कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।